So guys, I'm going to take a certain example for ABC chemistry, from ABC chemistry. A certain IPS is there. So let's start. So पहला जो यहाँ पे देखो ग्रुप है 1 2 3 1, ये जो ग्रुप दिया हुआ है ये पूरा, ये कि तुम्हारी लॉन्गेस्ट चेन है एज यूजुअल, तुम्हें पता होगा। और ये जो तुम्हारे ये और ये CH3 के सारे आइटम, ये तुम्हारे अटैचमेंट हैं। तो इस अटैचमेंट को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट भी बोल सकते हैं, और ये जो तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन है इसको हम लोग पैरेंट चेन भी बोल सकते हैं। सो ये जो तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन है, ये ग्रुप, ये लॉन्गेस्ट चेन, ये हम हमेशा लास्ट में लिखते हैं। और ये जो तुम्हारे अटैचमेंट है, ये सब तुम्हारे कहाँ लिखे जाते हैं, शुरू में लिखे जाते हैं। जैसे तुम्हारे प्रीफिक्स होते हैं, अटैचमेंट तुम्हारे क्या होते हैं, प्रीफिक्स, और जो तुम्हारे लॉन्गेस्ट चेन होते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं, एज सफिक्स काउंट कर सकते हो, मतलब लास्ट में लिखते हैं। तो एज यूजुअल हम इसका नाम लिखने जाएंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, और कितना कार्बन आइटम है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को बोलते हैं हेप्टेन, क्या बोलते हैं, हेप्टेन। और अटैचमेंट तुम्हारे क्या है, 1 2 3 3 3 डाई 3 3 और 4 5 6, सो 3 3 6 क्या हो जाएगा, 3 3 6 3 3 6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन हो जाएगा। सो नेक्स्ट सर्टेन एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये ग्रुप। तो यहाँ पे क्या है, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आ जाएगी, 1 2 3। सो 2 पे तुम्हारे मिथाइल के 2 अटैचमेंट हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 2 डाईमिथाइल, क्लियर। और चेन का जो तुम्हारा ये पैरेंट चेन, ये तुम्हारा कहाँ लिखा जाएगा, लास्ट में, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। नाउ गाइस हम लोग देख रहे होंगे कि ये कीटोनिक ग्रुप है, कैसे, एक ये R C डबल बॉन्ड O और ये R, ये तुम्हारा कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है। तो इसका नंबरिंग कैसे होगा, देखो 1 2 3, सो 1 2 3, और कीटोन का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ONA1। तो 3 कार्बन एटम को बोलते हैं प्रोपेन, प्रोपेन बोलते हैं। अब ये जो E है, ये E हमारा हट जाएगा और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, ONA1, तो प्रोपोन, प्रोपेन हो जाएगा, ONA1 लग जाएगा यहाँ पे। अब ये वाला ग्रुप देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया हुआ है और यहाँ पे क्लोरीन दिया हुआ है। सो अगर तुम प्रायोरिटी ऑर्डर देखने जाओगे तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डबल बॉन्ड, तो ये तुम्हारा क्या, फिर देखो तुम चाहे तो यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हो और यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हो, दोनों जगह वन पे। लेकिन अब देखेंगे कि जो अटैचमेंट है वो कहाँ से नज़दीक में आता है। अगर हम लोग यहाँ से नंबर करते हैं तो 1 पे तुम्हारा डबल बॉन्ड भी आ रहा है और 1 पे तुम्हारा क्लोरीन भी आ रहा है, सो दैट्स व्हाई मेरा नंबरिंग यहाँ से, अगर किसी ने यहाँ से किया तो रॉन्ग हो जाएगा वो, क्योंकि तुम्हारा वो क्लोरो 2 पे चले जाएगा। सो क्या हो जाएगा, देखो 1 क्लोरो लिख सकते हो क्योंकि अटैचमेंट है, तो शुरू में आएगा 1 क्लोरो, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इथीन। ENE क्यों लगा रहे, इथीन, ENE क्यों लगा रहे, ENE इसलिए लगा रहे क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इथीन की जगह पे क्या हो जाएगा, इथीन। सो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अभी, ये वाला, इसका देखो अभी इसकी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी, 1 2 1 2 3 4, अगर किसी ने यहाँ से कर दिया 1 2 3 4, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से जाने पे देखो 3 पे अटैचमेंट आ रहा है CH3 और OH का, और यहाँ से हमें 2 पर ही अटैचमेंट मिल जा रहे हैं, सो दैट्स वाई हमारा ये जो नीचे वाला ऑर्डर है ये करेक्ट है। सब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, तो देखो 2 पे तुम्हारा क्या है, मिथाइल है, और ये 4 कार्बन है, तो 2 पे तुम्हारा क्या है, मिथाइल है, और ये कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो क्या लिखोगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 ऑल हो जाएगा। ऑल क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि ऑल मतलब होता है अल्कोहल, और वो तुम्हारा कौन से पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, नंबर 2 पे। नेक्स्ट एग्जांपल इसका देख लेते हैं, यहाँ पे BR यहाँ पे अटैच है और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे BR अटैच और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम BR क्योंकि ये नेगेटिव है और ये BR क्या है, CH3 क्या है, पॉजिटिव, सो ये नेगेटिव ग्रुप लेके जाएगा, तो नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3, तो 1 पे क्या है, ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रोपेन, सो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन।
नेक्स्ट इसका देख लेते हैं, साइनाइड ग्रुप यहाँ पे अटैच है, तो अगर यहाँ पे मैं वन डालता हूँ तो वन पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइनो वन साइनो मीथेन। लेकिन अगर मैं इसको नाइट्राइल लिखता हूँ तो तुम्हारा ये भी कार्बन काउंट हो जाएगा, मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा वन टू, तो इथाइल नाइट्राइल, जैसे कि मैं यहाँ पे तुम नाम देख सकते हो, इथेन सॉरी इथेन नाइट्राइल हो जाएगा, ये इथाइल इथेन नाइट्राइल हो जाएगा। नेक्स्ट आई पी एस सी है ये वाला, यहाँ पे अल्कोहल है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तुम्हारा नंबरिंग कहाँ से हो जाएगा, अल्कोहल से हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा नंबरिंग, अल्कोहल से। सो वन टू थ्री, अब नाम लिख सकते हो, थ्री आइटम्स को क्या बोलते हैं, इथेन सॉरी प्रोपेन प्रोप इन हो जाएगा, क्यों प्रोपिन हो जाएगा और इन कहाँ है दो पे, तो प्रोप टू इन हो जाएगा और ये ई हट के जो यहाँ पे ई यानी का ई होता है ये ई हट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा वन पे ऑफ, तो हो जाएगा प्रो टू इन और वन ऑल। नेक्स्ट दिया हुआ है ग्रुप, ये सी एच ओ ग्रुप है, सो एल्डिहाइड है तो इसका तो कॉमन नहीं होता है फॉर्मल्डिहाइड। आई पी सी नेम लिखने जाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, मीथेनल, क्योंकि एक कार्बन है यहाँ पे, यहाँ पे कितना कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन को मीथेन और एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है तो क्या हो जाएगा मीथेन। इसका हो जाएगा इथाइन, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है और आयन ग्रुप है तो क्या हो जाएगा इथाइन। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग तीन कार्बन है तो वन वन टू थ्री, सो थ्री कार्बन एटम को क्या बोलते हैं प्रोपेन, और प्रोपेन के साथ में तीन अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है तो प्रोपेन वन टू थ्री ट्रायल। कंसीडर नेक्स्ट एग्जांपल, ये तुम्हें घर से सॉल्व करना है, यहाँ पे देखो ये वाला ग्रुप देखो, ये क्या है साइक्लोहेक्सेन रिंग है और यहाँ पे वन पे मिथाइल है तो वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। नेक्स्ट ये ग्रुप देखते हैं, ये तो ये भी तुम कर सकते हो, यहाँ पे क्या है वन पे इथाइल ग्रुप अटैच है तो वन इथाइल ये साइक्लो रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो कार्बन अटैच है और यहाँ पे एक कार्बन अटैच है तो इसलिए नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी वन टू। अब वन पे तुम्हारा क्या है इथाइल है, सो क्या लिखोगे वन इथाइल टू मिथाइल और ये जो ग्रुप है ये साइक्लोपेंटेन है, क्या है साइक्लोपेंटेन, पेंटेन के क्योंकि एक दो तीन चार पाँच दैट्स वाई साइक्लोपेंटेन। अब ये पहले इथाइल और मिथाइल ऐसा, पहले इथाइल क्यों लिखा फिर मिथाइल क्यों लिखा, क्योंकि पहले ई आता है फिर एम आता है। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे तीन कार्बन एटम का अटैचमेंट है और यहाँ पे वन कार्बन एटम का अटैचमेंट है, सो जो तुम्हारा नंबरिंग होगा वो यहाँ पे रॉन्ग किया है, थ्री कार्बन एटम्स होगा यहाँ पे, मतलब कि ये तुम्हारा वन हो जाएगा ये टू ये थ्री, तो क्या हो जाएगा वन प्रोपाइल थ्री मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, वन प्रोपाइल थ्री मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट ये देखते हुए ग्रुप, यहाँ पे देखो इसमें तुम्हारे दो एसिड ग्रुप हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ से नज़दीक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है इसलिए नंबरिंग यहाँ से सॉरी तीन है तो नंबरिंग यहाँ से होगा, यहाँ से ही क्यों होगा क्योंकि यहाँ से वन टू थ्री पर आ रहा है और यहाँ से वन टू थ्री, तो ये ऐसा केस है कि तुम लोग नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो दोनों राइट है। सो क्योंकि यहाँ से भी थ्री पे अटैचमेंट है यहाँ से भी थ्री पे अटैचमेंट है, सो वन कितना कार्बन आइटम पांच कार्बन आइटम का, सो क्या लिखेंगे पेंटेन पेंटेन वन थ्री फाइव ट्राई ओ ऑइक एसिड, सो पेंटेन वन थ्री फाइव ट्राई ट्राई ऑइक एसिड। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल्डिहाइड है यहाँ पे एल्डिहाइड है यहाँ पे एल्डिहाइड है, सो यहाँ पे से नंबरिंग करोगे तो ऊपर भी सेम होगा, यहाँ से नंबरिंग करोगे तो ऊपर भी सेम, क्योंकि यहाँ पहले पोजीशन पे भी एल्डिहाइड है यहाँ पहले पोजीशन पे भी एल्डिहाइड है। सो वन टू थ्री, तो प्रोपेन वन टू थ्री ट्राई अल, एल्डिहाइड के लिए क्या यूज होता है अल। नेक्स्ट दिया यहाँ पे तीन साइनाइड ग्रुप दिए हुए हैं, कितने साइनाइड ग्रुप तीन, तो चाहे तुम नंबरिंग यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो चाहे मतलब यहाँ से करो या फिर तुम्हें करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो, दोनों जगह से राइट है। सो क्या हो जाएगा देखो, प्रोपेन वन टू थ्री नहीं वन टू थ्री ट्राई साइनो प्रोपेन, वन टू थ्री ट्राई साइनो प्रोपेन।
जी ग्रुप के का। यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है एक चार मेंबर रिंग है, 1 2 3 चार मेंबर रिंग है, और बीच में तुम्हें डबल बॉन्ड दिया हुआ है। सो ये साइक्लो ग्रुप है, तो ये चार मेंबर को बोलेंगे साइक्लो ब्यूटेन, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है जिसके वजह से लग जाएगा साइक्लो ब्यूटीन। उसी हिसाब से ये तुम्हारा हो जाएगा साइक्लो पेंटेन, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्सीन, सॉरी साइक्लो पेंटीन। ई एन ई क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी ई एन ई क्यों लग रहा है क्योंकि यहाँ पे भी क्या है डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा साइक्लो हेक्सीन। नेक्स्ट ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। अभी देखो इस एग्जाम्पल में तुम्हें सी एस टू ग्रुप को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो कैसे इंक्रीज करोगे, कैसे इंक्रीज करोगे इसको, पहले कितना कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन लिखोगे, बाद में पहले कार्बन पे 2 कार्बन है, 1 2 कार्बन, और दूसरे पे भी 2 कार्बन है। अभी ऐसा ग्रुप हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन उसका नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ही तुम्हारा चेन हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा चेन, तो 1 2 3 4 5 6। तो देखो क्या है, एक यहाँ पे अटैचमेंट है और एक यहाँ पे अटैचमेंट है, तो एक हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो ये 3 4 डाइमिथाइल, और चेन का नाम हो जाएगा हेक्सेन, चेन का नाम क्या हो जाएगा हेक्सेन। नेक्स्ट ये वाला देख लेते हैं, काफ़ी बड़ा ग्रुप दिया हुआ है, तो इसका नंबरिंग पहले तुम्हें काउंट करना आना चाहिए। सो मैं नंबरिंग काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरी नंबरिंग हो जाएगी। एक यहाँ पे अटैचमेंट है, एक यहाँ पे अटैचमेंट है, और एक यहाँ पे अटैचमेंट है, क्लियर। तो यहाँ पे तीन तीन अटैचमेंट है, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को बोलते हैं नॉन एम, 9 को क्या बोलते हैं नॉन एम, और एक तुम्हारा 1 2 3 4 पे अटैचमेंट है और 5 पे अटैचमेंट है, तो 4 5 डाई इथाइल और 4 मिथाइल नॉन एम, मतलब पूरा नाम क्या हो जाएगा 4 5 डाई इथाइल 4 मिथाइल नॉन एम। नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं, नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं, ये वाला ये ग्रुप ये कंपाउंड। सो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6। सो 1 3 और 5 ट्राई इथाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट इसका नाम देखते हैं 1 2 3 4 5, और ये साइक्लो रिंग है, सो 1 मिथाइल साइक्लो पेंटेन, 5 कार्बन का है, सो दैट्स वाई साइक्लो पेंटेन। अगला एग्जांपल देखते हैं, ये वाला ये देखते हैं, यहाँ पे देखो कितना कार्बन आइटम है, 1 2 3 4, चाहे 1 2 1 2 3 4 ऊपर जाओ, चाहे 1 2 3 4 नीचे जाओ। अब देखो 2 3 पे तुम्हारा ये अटैचमेंट है और ये अटैचमेंट है, तो क्या लिखोगे 2 3 डाइमिथाइल और 4 कार्बन एटम क्या बोलते हैं ब्यूटेन। नेक्स्ट ग्रुप की तरफ मूव होते हैं, ये वाला ये तुम्हारा कीटोनिक ग्रुप है, तो नंबरिंग तुम्हारा 1 2 3 4 5 6, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ से जाओगे तो तुम्हारा कीटोनिक ग्रुप दूर होगा, यहाँ से कीटोनिक ग्रुप नज़दीक आ रहा है, दैट्स वाई तुम्हारा नंबरिंग यहाँ से चालू होगा, यहाँ से नंबरिंग करेंगे। सो 1 2 3 4 5, अब 5 कार्बन आइटम है तो पेंटेन बोलेंगे, और कीटोनिक ग्रुप है तो ओ एन ई 1 लग जाएगा, तो कैसा हो जाएगा नाम देखो, हट के क्या लग जाएगा ओ एन ई 1, तो पेंटेन 1, सॉरी 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये वाला यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 अटैचमेंट है, तो यहाँ से जाएंगे तो ये अटैचमेंट नज़दीक पड़ेगा, यहाँ से जाएंगे तो अटैचमेंट दूर पड़ेगा, तो दैट्स हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे यहाँ से। सो क्या हो जाएगा देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, सो 3 पे एक बार क्लोरो है और एक बार ब्रोमो है, तो पहले बी आएगा, तो 3 ब्रोमो
थ्री क्लोरो हेप्टेन, थ्री ब्रोमो थ्री क्लोरो हेप्टेन। इसका नाम देखते हैं, इसका नाम देखो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप ये पूरा यहाँ तक, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, तो डायरेक्ट लिखने का आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट ये वाला ग्रुप, अब देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे ओएच ग्रुप है, सो हमारा नंबरिंग ओएच से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5। याद रखना यहाँ पे भी कार्बन है, सो 1 2 3 4 5। सो देखो क्या हो जाएगा, पेंटेन टू ऑल और फोर वाइन, क्या हो जाएगा पेंटेन टू पे देखो ऑल ग्रुप है और फोर कार्बन एटम है, यहाँ पे वाई एन ए ग्रुप है, सो पेंटेन टू ऑल फोर वाई एन। नेक्स्ट ये तो तुम कर सकते हो, कैसे करोगे, 1 2 3 4 2 3 डायमिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट ये बना देखते हैं, ये भी कर सकते हैं कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन एन ऑक्टेन देखेंगे इसको। अगला अभी ये सब एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो साइक्लोपेंटेन। इसको क्या बोलोगे, कितना कार्बन है, 1 2 3 4, लेकिन अभी हम लोग इसका नंबरिंग देंगे, यहाँ पे अटैचमेंट ग्रुप है, सो दैट्स व्हाई नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर, 1 2 3 4। तो यहाँ पे अटैचमेंट एक कार्बन का है क्योंकि एक ही बॉन्ड दिख रहा है, सो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, 1-मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अगला ये वाला यहाँ पे देखते हैं, एक रिंग है 1 2 3 की और 1 पे तुम्हारे दो अटैचमेंट है, एक यहाँ पे, सो 1-इथाइल, 1 पे देखो 1 पे क्या है, इथाइल ग्रुप अटैच है कि नहीं, तो 1-इथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसका देखते हैं यहाँ पे देखो 1 पे दो अटैचमेंट है, एक ये वाला ग्रुप अटैच है, एक ये वाला ग्रुप अटैच है, सो 1-1-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1-1-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट ये देखते हैं, ये तो तुम कर सकते हैं, 1 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, सो 1-मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट ये भी कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये सब सॉल्व कर सकते हो। इसका नाम बताओ, देखो 1 पे क्लोरो है, तो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ये भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या है देखो, 1 पे ऑल ग्रुप है और साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल मतलब अल्कोहल, ऑल मतलब क्या होता है अल्कोहल। नेक्स्ट ये तुम्हें ये वाला करते हैं, ये वाला, ये देखो ये तुम्हारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH, सो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर, 1 2 3 4 5 6 7। याद रखना मैं इसको काउंट कर रहा हूँ इसको, सो 1 को तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और तुम्हारे 7 1 2 3 4 5 6 7 8 का है कार्बन के एटम, तो ऑक्टेन 1 ऑइक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्टेन 1 ऑइक, इसमें ऑइक लगेगा, तो ऑक्टेन 1 ऑइक। ये सब तो इजी है, ये सॉल्व कर सकते हो तुम, ये भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 3 क्लोरो पेंटेन। नाउ अब इसकी बात करते हैं, ये कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं। अब देखो कभी भी नाइट्रो रहेगा और डबल बॉन्ड रहेगा, तो स्टार्टिंग फ्रॉम डबल बॉन्ड, तो दैट्स व्हाई देखो यहाँ पे इसका नंबर क्या है, 1 2 3, क्लियर, तो क्या हो जाएगा, 3-नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन, याद रखना साइक्लोहेक्सीन EN, तो 3-नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन। ये वाला भी कर सकते हो, ये प्रीफिक्स ऑर्डर के हिसाब से दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, सो 1 2 3, क्योंकि पहले वो यह चाहता है फिर डबल बॉन्ड दिया है उसमें, देख लेना एक प्रीफिक्स ऑर्डर, सो ये क्या हो जाएगा,
लिखना वन हाइड्रोक्सी, अगर हाइड्रोक्सी लिखना रहता है तो शुरू में लिखते हैं, सो वन हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, वन हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे OH यहाँ पे अटैच है तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 लिख सकते हो आराम से। जैसे बहुत सारे दो नाम इसके लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हो कि प्रोपेन सॉरी पेंटीन, पेंटीन पेंटीन में क्या लगेगा देखो, पेंटीन ई हटा के क्या लगा होगा, टू पे तुम्हारा क्या है ऑल है और फोर पे तुम्हारा वाई ई एन है, तो पेंट फोर ई एन ई और टू ऑल, ऑल ऑफ अंडरस्टैंड, पेंट टू सॉरी पेंट फोर ई एन ई और टू ऑल, पहले तुम्हें सब सॉल्व करना है फिर उसके बाद एल्डिहाइडी ग्रुप है, ये तुम्हारा एल्डिहाइडी ग्रुप है, याद रखना सी एच ओ एल्डिहाइडी ग्रुप, सो 1 2 3 4 5 6 नंबर काउंट कर लेना और नाम लिखना है इसका। सो दैट्स ऑल, इतना पहले इसको एक काम करो सॉल्व करो, फिर मैं और भी तुम्हें एग्जांपल दे सकता हूँ, इसको एग्जांपल बहुत इजी है सॉल्व करो, और ये तुम्हारा होमवर्क है।